मैं अपना वर्षन इन दो एक मशहूर शायर की इन दो पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा कि चिराग को देखकर मेरे बहुत मचल रही थी हवाएं और बहुत दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवाएं कि चिराग को मेरे देखकर बहुत मचल रही थी हवाएं और कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवाएं गढ़ रहे थे जो कल तक मेरी तबाही के किस्से गढ़ रहे थे कल तक जो मेरी तबाही के किस्से उन्हें पता ही नहीं कि रुख बदल रही थी हवाएं। माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश माननीय संतोष तिवारी जी के समक्ष हमने एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें हमने ये अनुरोध किया था कि चूंकि कांग्रेस का संविधान जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराकर मनोनीत होने के उल्लेखित करता है वो बात कहता है, लेकिन संविधान को नेताओं के प्रभाव में दबाव में एक ओर रखकर मोटी रकम लेकर धनबल के आधार पर और चापलूसों की नियुक्ति कर इस संगठन को कमजोर करने का प्रयास नेताओं द्वारा स्थानीय नेताओं द्वारा किया जा रहा है, वहीं जो निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने भरी दुफेरी में 1700-1800 सदस्य डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत बनाए हैं उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा हमारी याचिका यह कहकर नामंजूर की गई थी कि इसे उचित फोरम में आप ले जाएं और उसके बाद में न्यायालय में आए, हमारी एक तकनीकी त्रुटि थी जिसको हमने आज सुधार करा और अपर जिला न्यायाधीश माननीय अभिषेक जी सक्सेना साहब के समक्ष आज माननीय हमारे अभिभाषक एस के साहू द्वारा याचिका लगाई गई। अपर जिला न्यायाधीश महोदय अभिषेक जी सक्सेना साहब ने हमारी याचिका को ग्राह्य करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय मधुसूदन जी मिस्त्री साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और जिला चुनाव अधिकारी अब्दुल मन्नान खान साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस की आगामी तारीख 7 नवंबर निश्चित नियत की गई है। इस पूरे प्रकरण में जो डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत राहुल गांधी जी और माननीय कमलनाथ जी द्वारा की गई थी तब कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त किया गया था कि जो इस अभियान में सदस्यता अभियान में सक्रियता से और बढ़ चढ़ कर हिस्सादारी करेगा कांग्रेस के सदस्य बनाएगा उसे उचित पद और उचित सम्मान दिया जाएगा। हमारे द्वारा पूरे जिले में लगभग 1700 से 1800 सदस्य बनाए गए। वो समय था मार्च अप्रैल मई जून का जब भरी गर्मी में लोग निकलने को तैयार नहीं होते थे, उस दौरान हमने वो सदस्य बनाए। लेकिन पीड़ा ये थी कि जब सदस्यता अभियान समाप्त हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक ओर रख दिया गया और विधायकों की अनुशंसा पर नियुक्ति और पद बांटने का मामला हमारे नेता लोग करने लग गए जो सीधे सीधे कांग्रेस के संविधान का उल्लंघन है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और संविधान की रक्षा करने की बात पूरे देश में हर सभाओं में लोगों से कह रहे हैं और हमारे ही नेता हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ये इस याचिका में हमने अनुरोध करा, माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका स्वीकार करी, ग्राह्य करी और 7 नवंबर को चारों उभय पक्षों को उस याचिका में सूचना पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखना, उसके बाद फिर आगे जो भी होगा वो न्यायालय के संज्ञान में आगे जाया जाएगा।